Now in this video we will discuss about parts of cells. अभी तक हमने क्या क्या देखा, सेल की थ्योरी देखी, सेल किसने डिस्कवर किया ये देखा हमने, और अब हम इस वीडियो में इस चैप्टर का थर्ड पार्ट कवर करेंगे विच इज पार्ट्स ऑफ सेल. और इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे सेल मेम्ब्रेन. सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, ठीक है. हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ समझेंगे क्योंकि हमें नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं आपको, तो आप उसमें अगर सेल मेम्ब्रेन आप पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा. इसलिए आप फोकस करना मेरी बात पे, मैं क्या बोल रही हूँ उसे समझने की कोशिश करिए. अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं. आप सभी ने बलून्स देखे होंगे, ठीक है, है ना. हम क्या करते हैं, बलून्स के अंदर गैस भरते हैं, ठीक है. लेकिन हमें इस बलून के अंदर गैस को फिल नहीं करना है, हमें इसके अंदर फिल करना है वाटर को. किसको फिल करना है, वाटर को. जब भी आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूछा जाए तो आप एक बलून को इमेजिन करना, क्योंकि आप यही फीचर्स इसके एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ोगे तो आप यही एग्जाम्पल सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी लिख सकते हो. ओके, तो सबसे पहले तो हमने लिया एक बलून, उसको हमने वाटर से भर दिया. अब जो वाटर है वो इस बलून के अंदर सेफ है. अब अगर मैं इस वाटर बलून के ऊपर कोई भी सॉल्यूशन ऐड करती हूँ या कुछ भी ऐसा कुछ डाल देती हूँ, तो उससे मेरे जो अंदर मतलब बलून के अंदर जो वाटर है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. उस वाटर के अंदर कुछ भी चीज़ मिक्स नहीं होगी. क्यों? क्योंकि बलून ने उस वाटर के ऊपर एक कवरिंग बनाकर रखी हुई है. अब बलून होता कैसा है, बलून की जो लेयर होती है वो बहुत पतली होती है, ठीक है. फ्लेक्सिबल भी होता है, यानी कि वो इलास्टिक होता है. ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट. और हाँ, बलून के अंदर कोई भी चीज़ हो, चाहे वो एयर हो चाहे वो वाटर हो, वो उसको एक कवरिंग प्रोवाइड करता है. तो ठीक है, हमने तीन चीज़ देखी, ये थिन हो गया यानी कि पतला होता है, इलास्टिक होता है और फ्लेक्सिबल होता है, और ये एक आउटर मोस्ट कवरिंग भी हो गई. आउटर मोस्ट कवरिंग मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह. अब हम देखेंगे कि जो बलून है उसने वाटर को होल्ड कर रखा है. अगर अब मैं चाहूँ कि मैं दो तीन ड्रॉप निकाल लूँ वाटर की, तो क्या मैं कर सकती हूँ ऐसा? तो नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ. क्यों? क्योंकि बलून ने वाटर को पूरी तरीके से होल्ड कर रखा है, और जब तक बलून नहीं चाहेगा ये वाटर बाहर नहीं आएगा. अब जो बलून है उसने वाटर को एक शेप भी दे रखा होगा, ठीक है. अब वो किसी भी टाइप का बलून हो, अगर वो हार्ट शेप के बलून में आपने वाटर को फिल करा है तो वो हार्ट शेप का ही हो जाएगा, ठीक है. अगर वो लंबा है, उसका जो मतलब बोलते हैं ना, वो बनाना पैटर्न के अंदर जो बलून होगा, अगर आपने उसके अंदर वाटर फिल करा है तो वो बनाना शेप का ही हो जाएगा. तो बहुत सारे शेप होते हैं बलून के, तो उसी तरीके से आपने आपने जितना भी वाटर उसके अंदर फिल करा है वो उसके अकॉर्डिंग उसको शेप दे देगा. हम सबको पता है कि वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि जिस भी कंटेनर में आप इसको डालोगे ये उस हिसाब से अपना शेप ले लेगा. अब अगर मैं इस बलून को फोड़ दूँ तो क्या होगा, पानी पूरा बाहर आ जाएगा और वाटर का कोई शेप नहीं रह जाएगा, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी, ठीक है. तो आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा. तो सिमिलरली सेल्स के लिए भी सेल मेम्ब्रेन बहुत इम्पॉर्टेंट है. जिस तरीके से बलून ने वाटर को होल्ड करके रखा, एक शेप दे के रखा, उसी तरीके से सेल के अंदर भी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है. कैसे? सबसे पहले तो ये क्या होती है, आपकी लिविंग होती है. ये एक की पॉइंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लो. कैसी होती है सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है, और ये सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है. कैसी कवरिंग होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है. सबसे पहले जब आप सेल को देखोगे तो आपको बाहर की तरफ यही चीज़ मिलेगी, ठीक है. तो हमने क्या देखा, कि लिविंग है और आउटर मोस्ट कवरिंग है. अब मैंने आपको क्या बताया था, कि आपको जब भी सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ याद नहीं आ रही हो तो एक बलून लेना, उसको आप वाटर से फिल करो और उसको इमेजिन करना, ठीक है. बलून कैसा होता है, थिन होता है, इलास्टिक होता है और फ्लेक्सिबल होता है. उसी तरह से जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो भी थिन होती है और इलास्टिक होती है,
या फिर आप इसे फ्लेक्सिबल भी कह सकते हो। मैंने आपको बताया था कि बलून ने वाटर को एक शेप दे रखा है, लेकिन जो ये शेप होता है ये रिजिड नहीं होता है, मतलब कड़क नहीं होता है, ये शेप अपना चेंज कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर बलून बहुत सारे स्टाइल के आते हैं, बहुत सारे शेप के आते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप फील करोगे वाटर को तो वो बलून जिस शेप का है उसके अकॉर्डिंग भी वाटर भी उसमें वही शेप ले लेगा। अगर इसी बलून को मैं थोड़ा सा इसको प्रेशर अप्लाई करूँ तो यही बलून का शेप जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको सेंटर में से दबाऊंगी तो इसका जो शेप है वो कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मींस कि वो शेप तो देगा लेकिन वो शेप कोई स्पेसिफिक नहीं है कि वो उसी शेप में रहेगा, वो शेप कुछ भी हो सकता है, कैसे भी चेंज हो सकता है। उसी तरह से जो सेल मेम्ब्रेन रहती है वो भी सेल को एक शेप देती है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होने के कारण वो शेप को चेंज भी कर सकती है, ठीक है। अब क्या क्या पॉइंट्स हमने देख लिए हैं, सबसे पहले तो ये लिविंग होती है, देन इसमें आउटर मोस्ट कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये इलास्टिक भी होती है, ये फ्लेक्सिबल होने के कारण ये एक कोई सा भी शेप चेंज कर सकती है, सेल का शेप कुछ भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका होल्ड द कंटेंट ऑफ सेल। जिस तरह से बलून ने वाटर को पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है, उसी तरीके से सेल के अंदर जो भी कंटेंट होता है ये उसको होल्ड करके रखती है, ठीक है। फिर इसने डेफिनेट शेप भी प्रोवाइड कर दिया। फिर हमने क्या देखा, फैसिलिटेट्स मूवमेंट्स ऑफ सम मटेरियल बिकॉज इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल। अब देखिए एक नया टर्म आया है कि सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लो, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है, सेल के अंदर का जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, नाजुक होता है। अब जो सबसे बाहर वाली जो चीज़ होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसको अंदर वाली चीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी स्किन, हमारी जो स्किन है वो हमारे अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, आपका बोन्स है, मसल्स है, उन सबको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। उसी तरीके से सेल के अंदर भी, सेल को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। हर कुछ भी नहीं सेल के अंदर जा सकता है कि कोई भी एसिड चला गया, कुछ भी एक्स वाई जेड ऐसे नहीं जा सकता है सेल के अंदर, या हार्मफुल चीज़ या कोई भी टॉक्सिक चीज़, अगर ऐसा कुछ चला गया तो वो सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी। और ना ही सेल के अंदर का जो कंटेंट फील्ड है वो भी बाहर नहीं आ सकता है। तो सेल मेम्ब्रेन के पास में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कुछ ही मटेरियल को सेल के अंदर और बाहर जाना अलाउ करती है, इसीलिए हम इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। मतलब सिलेक्टिव चीज़ों को ही ये सेल के अंदर और बाहर जाने देती है। अब ये किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, तो ये बनी होती है आपकी लिपिड्स एंड प्रोटीन्स से, ठीक है। ये जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स से, ठीक है। हमने एक फीचर देखा था कि जो सेल होती है वो इलास्टिक भी होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है, ठीक है। तो हमने एक और चीज़ देखी है इसके अंदर कि ये जो सेल होती है ये इनगल्फ करने में हेल्प करती है। अब इनगल्फ का मतलब क्या होता है, अब इनगल्फ का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को पकड़ना। मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, जैसे कि ये मेरे पास में एक सेल है और बाहर पड़ा है यहाँ पर एक फूड पार्टिकल, ठीक है। अब जो ये फूड पार्टिकल है इसको सेल को खाना है, तो ये सेल क्या करेगी, ये जो सेल है ये इसके पास जाएगा, अपना जो शेप है वो थोड़ा सा चेंज करेगा, कुछ भी कर सकता है, और ये जो फूड पार्टिकल है इसको वो अंदर ले लेगा, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों करा, ये क्यों हुआ, क्योंकि जो सेल होती है वो इलास्टिक होती है और फ्लेक्सिबल होती है। सेल आएगा फूड पार्टिकल के पास में, उसको एनगल्फ करेगा, उसको पकड़ लेगा और अपने अंदर ले लेगा। तो जो सेल है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई भी फूड या अदर मटेरियल अपने अंदर इनगल्फ कर सकता है।
अब हम समराइज़ कर लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? थिन होती है, इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है। फिर नेक्स्ट आपका है कि ये लिविंग होती है। फिर उसके अंदर आउटर मोस्ट कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर होल्ड द कंटेंट ऑफ सेल, ठीक है, ये जो भी कंटेंट रहता है सेल के अंदर उसको पकड़ के रखती है, होल्ड करके रखती है। फिर प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप, एक डेफिनेट शेप देती है उसको। फैसिलिटेट मूवमेंट्स ऑफ सम मटेरियल बिकॉज इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। कुछ मटेरियल को वो अपने अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने जाने देती है। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि किससे मिलकर बनी होती है, तो ये मिलकर बनी होती है लिपिड एंड प्रोटीन से। फिर ये फ्लेक्सिबल होती है, इस कारण ये इंगल्फ भी कर सकती है फूड मटेरियल को। किससे कर सकती है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कर सकती है, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन।